나한테 벗고 가야 야맹아. 아자 나함 하게야 그만. 내 차림은 번이라서 내 아이는 또 말아. 아버님 가야게 가해? 잡혀서 해야겠네. 아? 계속 보고 아빠는 한가운 배가운. 어쩌라? 아, 어떻게 어쩌라 저기 내가 계약을 보니 이대로 가는가? 아, 왜? 아무튼 이게 되는 거야. 야, 너 दादा तुम्हें कितनी बार मैंने बोली है तुम बकरी में आकर फूंकत रहा तो गंदगी फैलाओ दो कहीं जाते अपने बगर में तुम अरे बहू अब मुई तबियत खराब है सुबह में तने थे पर रो जी मकान मैंने सबके लाने बनाए तने एकाध कोठा में मैं पढ़ रहे हूँ मैं वैसे ही कच्चे मकान में पढ़ रहे तो मैं वही खर रहा हूँ मुई जा आप यो खरे आई ओ कांगो किसन कांगो खेते गाँव है मोबाइल चले तुम्हें फोन का चुकर नहीं है चलो खबर खबर करा दो उठा उठा जाओ आओ आओ भागो जा भागो जा भाई जे नियम में घिना न लगो तुम्हें आओ आहो गा कौन सी बात है पहले तुम्हें पता है कछु तुम्हारे भज्जे पे बड़ी बीमारी हो गई है दिन में खप खप कर दे दिन में परेशानों में कहां तक करो बता पहले ऐ तो बड़े भैया सेवा तो नहीं अपन करने वो किया करने का हां करने सेवा तुम्हें हो गई बीमारी तो क्या करूं मैं ऐसी नहीं होती बीमारी हां हां कौन होती ये तो पी रहे हैं या मेरे हैं बस मैंने बता दो तुम कितने आज अभी मैं लगा उठ जाएं हैं डरी माय के अरे यहाँ जो नहीं करने माय को माय के या नहीं तो चाहे पी रहे हैं चाहे मेरे हैं बस मैंने बता दो इतिहास से कितने दे बताओ हाँ ठीक है जा तुम मेरा भाई चंगा ठीक है मैं जा रहा हूँ मोरी धान ऐसे बिल्कुल ठीक है सुनो तो समझा नहीं आ ठीक है मैं कह रहा हूँ घर से बाहर मैं बता दे तो मैं जा रहा हूँ हाँ हाँ तो मैं नहीं जाने हम हाँ हमने कहा तुम कह जाओ वो भैया जे को है तुम कैसे भाग जाओगे तो मैं तो रुको हम हमने कहा है तुम खड़ो जाओ कैसा ना आ जा तो तने जा पकड़ो चलो निकलो निकलो कहा के रहो पे अब जा रहे हैं निकलो कह निकलो अरे घर फूट जाओ हम तुम्हारी वजह से लोग भाग जाए कहे बेटा मैंने जो बताई खिलाने तो पालो पोसो है अरे जो कसूर जाओ सब ठीक है हम निकल जाए तुम आओ घर ना फूटे निकल जाए निकल जाए भैया खुश रहो तुम आओ ना फूटे भगवान को ना दे ऐसे भैया भगा ना बता जाए टूटी टपाइया मैं दे रहा हूँ चौमासे में देखो हमें सारा पकड़े आओ तो अरे सरपंच साहब राम 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 भैया राम राम सेक्रेटरी साहब राम 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 कैसे आए सरपंच साहब हम यहाँ आए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो कुटिया आ गई है अच्छा देखो सिकट्टी के नंबर पे है की
जाएगी जा 96 नंबर की कुटी मिलेगी। अच्छा जो लिखो तो नौ हाउ हाउ हरी राम हाउ हाउ कुटी आ गई सुतने बढ़िया बोध है अपनी पासबुक अच्छा और आधार कार्ड जो बताओ सरपंच साहब के मैं कैसे बनवा हूँ भाई मुहे कौन भाई जाने भगा दो मुहे लको है कैसे बनत मुई कुटी पैसा डे उतने से मुआ से किस्त डे सो बने हो कैसे बने अच्छा तुम ही बनवा दे यो भाई मैं तो पासबुक और आधार कार्ड दे दे मैं तो बनवाऊ ने ऐसे तो ढूंढा तो आए हैं ठीक है हाँ ठीक है तो कोनो है अन्य ले जल्दी अब ले आओ लो सरपंच साहब क्या है यही में दो की फोटो है जो आधार कार्ड है मोर जो बैंक की पासबुक हो गया चला चला ठीक है और ओरिजिनल तो नहीं जाने हाँ नहीं जाने चल चल अरे घबराओ ना 10 दिन में तुम्हारी पहली किस्त आ जाए ठीक है अपने गुम्मा उम्मा खरीद लो और काम लगाओ बढ़िया और लगा दो काम ठीक है ठीक है जय हो प्रधानमंत्री की जय हो बहु मुख्यमंत्री की जय हो इन्हें हमारा जो खाकिल लाने सोचो कछु अरे प्रधानमंत्री सबके लाने सोचा नहीं तो हो जाने की तुम्हारी जय राम जय राम जय राम जय राम ना हो तो खाना खा जाओ खाना अरे अब घर बनाओ ठीक है तो बनना सर बसा ही चलना हरे किशन कुशवाहा बल्द हरी राम कुशवाहा के साथ जाना उनके यहाँ सर नोटिस है सर एक दो बार इग्नोर भी कर चुका है जी सर बिल्कुल सर उसके यहाँ चलते हैं अभी ओके सर देखो जो कितना बढ़िया रहा गांव के गांव में सही कह रहे हैं अपने 10 बजे चलेगा सवेरे से अपने 4 बजे छुट्टी भाई तो गए आ गए जब से तो बहुत सही है तो तुम्हारे भाई चले गए सही बताए तो जन में खों खों करे में लग रहा थी पूरा दिन भाई ये केवे पे तो भगावा दो सु अब तो ठीक है अब तो नहीं उठा उठा अब तो सुख में हो तो यही है मकान वो है तिकड़ माला जी सर बुलाओ किशन को किशन को तो आ ए किशन को तो आ सुना ही नहीं रहा होगा पत्रा पर देखता हूँ कौन बुला रहा होगा तुम्हारे ट्यूशन के बाल बच्चे आ गए मेरे को सुनो नन्हे बात बोल दो ट्यूशन के बच्चे हूँ तो देखे आओ थे जाओ तुम्हारे पास नोटिस भी है दो दिन दो बार नोटिस आया तुम्हारे पास तो क्यों नहीं आया भाई साहब बता नहीं पाओ अच्छा तुम ही हो किसान ठीक है तुम्हारे पास दो बार नोटिस भेजा तुमने उसके कोई जवाब नहीं दिया ये फाइनल नोटिस है इसके बाद तुम्हारा घर टूटेगा पूरा अतिक्रमण में देख लो हमने कौन जो आज है पेड़ लगा तो हमारा बाप दादा हमने पहले बनाओ सबके बने तो हमारा बनो कौन से अतिक्रमण बन में आ गए तो मुझे कुछ नहीं पता आप जल्दी जल्दी घर खाली कीजिए सिग्नेचर करवाओ फाइल में नाम पिड़ाओ घर को सील आपका कुटिया में नाच भाव था कोई मतलब नहीं है हम आपका कैसे निकाल लेंगे करो उसमें कुटिया कुटिया में नाच भाव था कुछ हो गया पल्ली पल्ली नहीं हमारे साहब आए हैं ये है खाली का 2 मिनट के अंदर अंदर तुम रह जा सके हो बताओ तो कहाँ जाए बताओ कहाँ रहे हमने हो तो ऑप्शन तो वैसी कौन नहीं है चलो चले माफी मांग लो तुम हम दो जने वैसे हमारे बड़े भैया ऐसे हैं कभी माफ का ही थे मैं तो हाँ तार के माफी मांग लो चलो कहाँ रहे बताओ तो लगा लो सामान अपना पूरा लो मैं लगा लो तो पंखा मानी मैं तो चल
लाल ठेगा नहीं वो चीज का, ये गांव ने खा पाई चले अब। क्या देता है तू अमिया की बड़ी हो भैया। हाँ भैया मजेदारी। अब तो भैया मजे में हो, अब तो कुटी बन गई। आओ भैया प्रधानमंत्री आवास योजना को मकान बन गए। नहीं तो फिर तो पहले तो बहुत सही थे, अब तो बहुत भी हो गए। हाँ अरे अपने देश के मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था नहीं तो मोए भैया ने तो घर से बाहर ही कहा था तू। हाँ अब तो कल मजे में हो। हाँ अरे अब तो मजे में, अब तो बिल्कुल खुशी हो। भैंसियां हरा गई। अच्छा देख लाइए, देख लो भैंसियां देख लो बड़े आओ को देख ले भाई मोटा जाइए बन गई कुटी बड़े भैया की। लग तो रहो ऐसा ही कहूंगा प्रधानमंत्री ने मुहे बना दो मुहे नाव पे कोनो बात नहीं है, दो कमरा है भीतर तो जाओ आप कोनो बात नहीं है, मैं बाहर भाई कमरा में रहूंगा। तुम्हारे जैसे बड़ा भैया पाके भगवान साहब हम तो धन हो गए, बताओ हम आपको घर में ऐसी चौमासी में हम कहाँ जाते, हमने तो अत्याचार को तुम्हारे ऊपर फिर भी तुमने हमें अपनी साइड में ले लो। भैया इंसान ही से गलती हो तो बेटा है, ई में दो कमरा है ठीक है, तो चले जाओ ऊपर है बहू ले जाओ, जाओ बहू ठीक है कछु नहीं चले जाओ, ऐसी बात कर रहे बेटा अब तुम्हारे नाव निकलवा दे हो एक कुटी, अब है मैं माया तो नहीं हूं, आओ चिंता ना करो तुम आओ जाओ तना और रोटी रोटी बना भाई मुँह तना मैं आराम कर लो फिर मुँह रोटी खाने आओ।